हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं आ चुका हूँ एक नई गेम प्ले वीडियो के साथ। मोन्टाज डालते डालते काफ़ी टाइम हो गया था, अब सोचा कि एक गेम प्ले डाल दो कॉम्पिटिटिव का। तो गाइस, इस गेम प्ले में मैं आईजेल कर रहा था। अब आईजेल इसलिए कर रहा था क्योंकि ये हमारी सेकंड लाइनअप है एचडी की, तो इनको आईजेल की ज़रूरत थी, तो मैं थोड़ा इनकी हेल्प कर रहा था कि तब जब तक इनको आईजेल ना मिले तब तक मैं इनके साथ खेल लूँ। तो अब IGL अपन ने सीखी कहाँ से, अपने वांटेड भाई से। उनकी वीडियो देख के मैं इतना इंस्पायर्ड हुआ कि सोचा कि मेरे को IGL करना चाहिए, और मैं इस टीम को IGLing कर रहा था। तो गाइस, यहाँ पर हमारे साथ उतरती है एक स्क्वाड B13 की। इनकी शायद तीन लाइनअप खेल रही थी। तो गाइस, एक स्क्वाड हमारे साथ ही ड्रॉप लेती है वाटर सिटी पे। तो गाइस, अभी आप यहाँ सोचेंगे कि मैं फायर कर सकता था, लेकिन मैंने फायर क्यों नहीं किया। मैंने फायर इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा कि मैं नेड कर दूंगा और मेरी पोजीशन नहीं जाएगी, नेड से नेडिंग करने से पोजीशन नहीं जाएगी मेरी और मैं नेड कर दूंगा आराम से। लेकिन मैं एक चीज़ भूल गया कि मेरे नीचे एक बंदा बार बार मूवमेंट दे रहा था, मेरा ही बंदा बार बार मूवमेंट दे रहा था। तो मैंने सोचा कि भाई नेड वेड करके इनके साथ स्कैम करूंगा, लेकिन उल्टा मेरे साथ ही स्कैम हो गया। अभी आप देखना। अभी गाइस, जो राइट से इसने मेरे को BSS भर के मार गया ना भाई, मेरे रेंजर पंजे सब ढीले हो गए भाई, मैं रिवाइव के लिए चिल्लाने लग गया। बट मेरे एक बंदे ने उसको नॉक कर दिया था जिसने मेरे को BSS मार, तो मैं इजीली रिवाइव हो जाता हूँ यहाँ पर। गाइस, वहाँ पर काफ़ी देर होल्ड करने के बाद मैं वापस स्क्वाड हाउस आ जाता हूँ ताकि मुझे एक हाइट एडवांटेज मिल जाए। गाइज, आप भी यही कर सकते हैं, जब सामने वाले आप पुश ना कर रहे हो तो आप भी पीछे आकर बंदों की पोजीशन देख सकते हैं। वैसे अभी तक तो मुझे कोई दिखा नहीं है, लेकिन मेरे बंदों को, जो मेरे टीममेट्स हैं, उनको बंदे दिखे हैं और एक ने तो नॉक भी डाल दिया था। तो गाइज, इनके हम दो बंदे मारते हैं और जो इनके बाकी के दो बंदे होते हैं वो चले जाते हैं फॉल बैक करके, और हम भी यहाँ से निकल जाते हैं। तो गाइस देखिए कैसे इनके दो बंदे मारते हैं, एक बंदा तो मार चुके और एक बंदे को देखिए कैसे मारते हैं, वो कहां से फ्लैंक मार के आता है और हम उसे कैसे पेलते हैं। हां भाई, देख रहा हूं। चेक कहीं पे आता हूं ना, मेरे को दिस लग गया तो घर में ऐसे थोड़ा सा और आ गया, तो घर पे फिर मेरे साइड और तो इधर में इधर। मैंने अपने एक टीममेट को बोल रखा था कि तू लेफ्ट देख, तो वो लेफ्ट ही देखता रहता है और वहाँ से एक बंदा आ जाता है और वो नॉक कर देता है। गाइस, यही होता है कि आप अगर हर एक डायरेक्शन में देखें, एक एक बंदा आपका हर एक डायरेक्शन में देखे, तो आप इजी किल्स निकाल सकते हैं। उसके बाद हमें वहाँ से गाड़ी नहीं मिलती और हम वहाँ से फॉल बैक करके पीछे की तरफ आ जाते हैं पैदल। अब पैदल इसलिए क्योंकि गाड़ी नहीं मिली। गाइस, तुम अपने टीममेट्स को बोलता हूँ कि तुम ये कंपाउंड होल्ड करो, मैं पोचिंकी में जाके गाड़ी ले आऊँगा। पोचिंकी में जाके मतलब कि जो सड़क, जो पोचिंकी की सड़क है पीछे वाली, वहाँ पर गाड़ी मिल जाती है, तो मैं वहाँ पे पहुँच जाता हूँ गाड़ी के लिए। आगे आप देखिए क्या होता है वहाँ मेरे साथ। दो बार किए गाइस, अभी मुझे इस रोड पर एक बग्गी तो मिल जाती है, लेकिन जो मेरे साथ स्कैम होने वाला है ना, उसे आप देख के या तो हैरान होगे या बहुत हंसेंगे। किस्मत। फर्स्ट एड किया किसी को? I got supplies. अच्छा नहीं। बग्गी बग्गी बग्गी। तो गाइस, अब आप यहां पर देख ही सकते हैं कि क्या हुआ। दो बंदे आए और अपन ने निपटा दिए। तो गाइस, अब वहां पर लूट वूट करने के बाद, यहां पर बहुत देर होल्ड करने के बाद हम निकल जाते हैं जोन की तरफ, क्योंकि जोन हमसे हट जाता है। तो जोन हम होल्ड करने जाते हैं सामने वाली रिच पे, तो यहां पे ऑलरेडी बंदे होते हैं। तो गाइस, हमें एक दूसरे कवर फायर देखना कैसे मिलता है। एक गया, दो
एचपी। ये किधर है? मार्क द लोकेशन भाई। तो गाइस इस स्क्वाड को पेलने के बाद इतना बूस्ट मिला, इतना कॉन्फिडेंस आया कि हम आज चिकन निकाल सकते हैं। तो भाई हम चल दिए यहाँ से फिर से जोन की तरफ, क्योंकि हम पे फिर से जोन नहीं था। तो भाई अब किस्मत देखो, सामने वाले कंपाउंड्स में कोई भी नहीं था, मतलब कोई भी। तो मैं चुपचाप जाके होल्ड कर लेता हूँ वो कंपाउंड, और वहाँ से जो गेम निकलता है ना भाई, वो आप देखिए कैसे निकलता है। आ गए। Enemies ahead. कहाँ पे? गाड़ी रोटेट कर रही है लेफ्ट से शायद। मैं रिच के पीछे रहा कहाँ? मार्क द लोकेशन। इधर गाड़ी नहीं? हाँ देख रहा हूँ। नहीं है तो जोन है ही नहीं। फिर बी 13 की गई पीछे वाली टीम। गाइस हम सामने शॉट ले ही रहे होते हैं कि पीछे से बंदे आ जाते हैं। बंदा मतलब एक ही बंदा आता है, मतलब इनके दो बंदे बचे होते हैं। एक गाड़ी से गाड़ी लेके लेफ्ट निकल जाता है और एक बंदा हमारे कंपाउंड में आ जाता है, तो उसको तो नॉक फिनिश डाल देते हैं। और दूसरे वाले को भी क्या प्यारा स्प्रे देके गिरा देते हैं। अब गाइज हमारी बैक एकदम क्लियर थी। अब हमारे सामने बंदे थे और राइट में जो जोन का सेंटर था वहां पर बंदे थे। इधर स्मोक है। स्मोक कर रहा हूँ। मैं लेफ्ट से जा रहा हूँ, लेफ्ट से लेफ्ट वालों को देख रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ। वॉच आउट। गाड़ी नहीं। लेफ्ट वाला मार दिया इधर वाला। हाँ ये क्लियर है। हाँ। मार्क द लोकेशन। ये क्लियर है। इधर स्मोक हुआ है। गाइज आपकी टीम में एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो कि ऐसा फ्लैंक मारे, उसको ऐसा एंगल मतलब बनाना आए कि वो वहाँ से इजी नॉक निकाल सकता है, इजी किल्स ले सकता है। तो गाइज वही हमारे में एक स्टोनर नाम का बंदा था जो भी फर्स्ट नंबर पर है। उसकी भाई उसने बोला कि मैं लेफ्ट जा रहा हूँ। पहले मैंने उसे मना किया कि भाई नहीं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब वो अपना एंगल बना रहे हैं तो एक बार बनाने देते हैं, क्या पता कुछ रिजल्ट निकल आए। तो भाई वो ऊपर जाके जो उसने कवर फायर दिया है, जो उसने किल्स वहाँ पे मतलब बंदे मारे हैं, पोजीशन बताई है ना भाई, बहुत ओपी लगा। तो भाई आप भी ऐसा कर सकते हैं कि अपना एक बंदा ऐसा हो जो कि अच्छा फ्लैंक मारे, अच्छा मतलब एंगल वेंगल बनाए, तो उसको अलग आप भेज दीजिए एंगल बनाने के लिए। एंड सर्कल में भी ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मतलब फर्स्ट सेकंड सर्कल में आप ऐसा करें, एंड सर्कल में भी ऐसा हो सकता है। तो एक बार ट्राई करके देखना। बाकी ये मैंने है ना वांटेड भाई से नहीं सीखा, ये मैंने खुद से सीखा है। वांटेड भाई सॉरी। हाँ
थैंक यू गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़।